26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर जीके डीएस कोचिंग संस्थान महतीपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल सभी आगंतुकगण बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम हमारे अतिथि माननीय जिला परिषद रंजय जी, यहाँ के स्थानीय समाज सेवी अभय बाबू मिथिलेश यादव और मित्र शांति जी, सबों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ जो मुझे यहाँ पर दो शब्द बोलने के लिए समय दिया गया। बच्चों, बहुत ही सुंदर दिवस पर आप लोगों ने क्विज का कार्यक्रम किया। 24 जनवरी हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पिछड़े गरीबों के मसीहा जिन्हें माना जाता है, उनके जन्म दिवस के अवसर पर आपने क्विज का कार्यक्रम किया और गणतंत्र दिवस के अवसर पर पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आपके जीवन में बहुत बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती है, लाती रही है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप जब परीक्षा का तैयारी करेंगे तो उसमें जीके बहुत बहुत निर्णायक भूमिका निभाती है और आप अच्छे से तैयारी करें ताकि आपका आगे का जो करियर हो वो अच्छे से निर्माण हो सके। आज देख रहे हैं हम विगत दो वर्षों से कोरोना जैसी महामारी ने सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया है इस देश को, इस दुनिया के, तो वो बच्चों को प्रभावित किया है, शिक्षा जगत को प्रभावित किया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, इस कोरोना में शिक्षक विद्यालय जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं आ सकते हैं, परीक्षाएं होगी लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, तो आपको सजग होना होगा। आपको करियर अपने चुनौती के हिसाब से, ये जो क्राइसिस आया है इसमें आपको खुद घर में मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। समस्याएं आती हैं और उस समस्या का समाधान करना होगा। अगर आप खेलने कूदने में समय को व्यतीत कर देंगे तो आप पीछे पड़ जाएंगे, आपको ये सोचना होगा, नहीं तो ये ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी। इसलिए आप तमाम युवाओं से मेरा आग्रह है कि आप अपने करियर के प्रति जागरूक रहें। आप देख रहे हैं देश में क्या चल रही है, परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं कम हो रही हैं, जो भी हो रहे हैं वो घोटाले के शिकार हो रहे हैं। इसलिए आपको जागरूक रहना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। ये संविधान जो बना है, ये जो आज गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये आपके अधिकारों के लिए है। इस अधिकारों को समझे, सजग रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली लगाएंगे। अब मैं